नमस्कार, उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत, गौतम बुद्ध नगर जिले में आपका स्वागत। अभी हम हैं ग्रेटर नोएडा और नोएडा के बॉर्डर के ऊपर। बिल्कुल, ये जो आप सड़क देख रहे हैं ये बॉर्डर बताती है। ये जो सड़क का कलर चेंज हो गया, ये देखिए, ये सफ़ेद वाली तो नोएडा के अंदर है और ये जो काली सड़क है मेरे पीछे ये ग्रेटर नोएडा है। ये पीछे जितना एरिया देख रहे हैं सारा ग्रेटर नोएडा है। पीछे बोर्ड लगा हुआ है ग्रेटर नोएडा में आपका स्वागत के लिए धन्यवाद। तो यहाँ पे ग्रेटर नोएडा ख़त्म हो जाता है और इधर से आपका नोएडा शुरू हो जाता है। लेकिन ये सारी रामगाथा का मतलब क्या है कि ये नोएडा, ये ग्रेटर नोएडा मतलब ये है कि सड़क के इधर जो रेट है, जो रेट मान लो 10 रुपये है तो उधर 5 रुपये है। सिर्फ एक सड़क पर रेट आधे हो जाते हैं। ये क्या मैजिक है? यही मैजिक है कि नोएडा का रेट, जो रेट ग्रेटर नोएडा से डबल के आसपास है। मान लो आप ये फ्लैट ले रहे हैं, इसका रेट है, एग्जांपल के लिए मैं आपको राइट रेट नहीं बता रहा हूँ, वैसे इसका रेट होगा मान लीजिए 5000 रुपये, तो इसके सामने आपको 2.5-3 में मिल जाएगा। वो सामने पीछे दिख रहे हैं ATS वाले, वो डूबा हुआ माल आपको सस्ते में। ये भी ATS है जो पीछे देख रहे हैं, ये भी ATS है। तो यहाँ पर इतना अंतर आ जाता है। तो ये देखिए नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सामने है। ये नोएडा यहाँ से शुरू हो जाता है, पेस्टिन गोल्फ विला। ये सारा आपका VIP एरिया है। ये सारे टावर अभी बने हैं, जस्ट बड़े फ्रेश टावर बने हैं सारे। इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है, देखिए साथ में कितनी बड़ी ग्रीन बेल्ट दी है। ये अगर कोरोना का या नोटबंदी का या GST का पंगा ना होता तो ये पूरा एरिया दिल्ली का कनॉट प्लेस बन जाता। ये पूरा एरिया दिल्ली का कनॉट प्लेस बन जाता, पर अभी कोई बात नहीं, थोड़ा देर से बनेगा, बनेगा तो सही, जाएगा कहाँ से बच के। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त। मैं आपकी लोकेशन खोल रहा हूँ, देखिए जी मैंने गूगल मैप खोल लिया। ये अभी हम बता रहे हैं इसकी लोकेशन कहाँ पर है। ये पूरा एरिया आपके सामने है, देखिए यमुना के बिल्कुल पार, ये यमुना नदी जो जा रही है कलकल करती, इसके परली तरफ सारा ग्रेटर नोएडा है। और ये जो सारा आप एरिया देख रहे हैं, ये अभी हम इसको सेंट्रलाइज करें, ये एरिया सर्च कर रहा है गूगल मैप, एरिया को सर्च कर रहा है। अभी हम सेक्टर 149 के आसपास हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका एक्सप्रेसवे जा रहा है साथ में इसके, और ये इस ATS पेस्टिन फेज़ 2 का काम चल रहा है यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो ये सारा आपका एरिया है, सुपरटेक इको सिटी है यहाँ पे, और ये आपका एरिया आ गया। तो यहाँ पे अगर आपको फ्लैट लेना तो आप ले सकते हैं, काफ़ी अभी माल है। ये सेक्टर आपका 152, सेक्टर 152, 153, 154 का एरिया है सारा। ये नोएडा के अंदर आता है, यहाँ पे एस ग्रुप हैं। अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट मिलेंगे सेक्टर 152 के अंतर्गत आने वाले, और रेट ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे रेट शुरू होता है 5 के आसपास शुरू होता है, 6,600 में मर जाते हैं। देखिए आगे लड़के खड़े ब्रोचर बांट रहे हैं, मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ। ये जो लड़के आपको रोड पर दिख रहे हैं ये ब्रोचर बांट रहे हैं कि आओ आओ फ्लैट ले लो, फ्लैट ले लो, फ्लैट ले लो। तो ये लड़के यहाँ पर खड़े हैं। सैटरडे संडे यहाँ पे काफ़ी रौनक होती है, अगर आप सैटरडे संडे आओगे तो काफ़ी रौनक होती है। ATS ने ये टावर आपने खोल दिए हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन आ गई है, काफ़ी अच्छे आपके टावर हैं। ये पूरे टावर इन्होंने खोल दिए हैं ATS ने। तो आप यहाँ आइए बॉर्डर पे, बिल्कुल बॉर्डर पे कर लीजिए, और हो सके, मुझे पूरी उम्मीद है कि बॉर्डर होने के कारण आपको यहाँ पर काफ़ी रेट सस्ता मिलेगा। तो आप आइए इस एरिया को इन्जॉय करिए। ये सेक्टर 150 से 155 वाले सेक्टर हैं सारे। ये देखिए लिखा हुआ है गांव मोमना, लिखा हुआ है गांव मोमना सेक्टर 150 नोएडा। तो ये गांव मोमनाथल, मोम जिससे मोमबत्ती बनाते हैं, मोमनाथल गांव है। मोमबत्ती से याद कर लो कि मोमबत्ती वाले गांव जाना है, मोमबत्ती वाले गांव जाना है, और मोमबत्तियाँ 150 रुपये की लेके आनी है, 150 रुपये की मोमबत्तियाँ लानी है। कहाँ जानी है? नोएडा बॉर्डर, दिल्ली नोएडा ग्रेटर नोएडा के बॉर्डर पे जाना है मोम लेने के लिए। मोम नाथल गांव में 150 रुपये की मोमबत्तियाँ लेके आनी है, और इसी के बगल में ATS है। अगर मोमबत्तियों के साथ ATS का फ्लैट अच्छा लगा, प्रेस्टिन गोल्फ विला अच्छा लगा तो वो भी ले सकते हैं। यहाँ पर बड़ा कूल है, ये एरिया अच्छा है, डेवलपमेंट बड़ी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा शानदार है। यहाँ आइए, प्लॉट लीजिए और इन्जॉय करिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।